सारे छोटे लोग और छोटी सोच, आपने बोले छोटे लोग और छोटी हरकत है, तो दैट इज अनफेयर। आई डोंट, जैसे कि आप लोग ने वीडियो देख ही लिया हुआ, सलमान सर ने उसमें क्या बोला क्या नहीं बोला, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था ये सब चीज। आज सिर्फ पूछना चाहेंगे, श्योर बिग बॉस, सलमान बताइए कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? कुछ फॉलोइंग हम भी लेके आए हैं जो हमारे को एक्चुअली प्लस, मैंने उसको जो आपने आपके माँ को बोला है आप ही बता दो ताकि। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने पूरा वीडियो देख लिया, उसमें रहा एक और बात, छोटे लोग छोटी सोच, ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार, किसी के बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकते। हाय गाइस, दिस इज आकिब सिद्दीकी बैक इन अगेन विद द न्यू, नो गॉड, No God, please! ना भाई, ये व्लॉग नहीं है, ये थोड़ा सा रोस्ट वोस्ट होगा, क्योंकि जो बिग बॉस में चल रहा है उसके बारे में, जैसे कि हम लोग यूट्यूब कम्युनिटी से आते हैं तो हम लोग को ही बोलना फर्ज है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार। लेकिन कल का जो था वो टास्क का मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ। देखो यहाँ पे तो बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही बात बताऊंगा कि जब क्या 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 नाम, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, वो कुछ लगता है सलमान मतलब कि बिग बॉस का साली उली है या कुछ तो है। तो उसको नहीं बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है अभिषेक भाई को, जो कि अनफेयर है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। और टास्क हुआ था कल, जो कि उसमें अपना एल्विस ने भी, एल्विस भाई ने भी परफॉर्म किया था, सब कर रहे थे, सब अच्छे से कर रहे थे, लेकिन जहां बात आया अपना पूजा भट्ट, उसका पप्पा को जानते ही होंगे, बता जरूरी नहीं है, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे, तो उन्होंने टास्क नहीं किया उसको देख के अपना क्या नाम है, या वेदिका क्या नाम है, उसने भी नहीं किया भाई, उनसे इन्फ्लुएंस हो गई तो नहीं किया ना, हाँ उसने नहीं किया, ये नहीं किया तो टास्क खत्म कर दिया। अगर वही चीज अगर अपना अभिषेक भाई करता या एल्विस करता ना, तो बराबर उसको और यकीन नहीं होता। तो आप लोग वीडियो भी देख लो, जैसे कि आपने देखे होगा तो नहीं कि मेरे थ्रू भी देख लो, मेरे भी सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएंगे, तो आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखो और बताओ क्या है क्या सही नहीं है क्या गलत है। तो भी हम बच्चे होते हैं ना, सिर्फ माँ बाप के लफ्ज नहीं सुनते हैं, हरकतें देखते हैं। मेरी बहन देख रही होगी सबको, कितने फॉलोअर्स हैं आलिया भट्ट के, आप फॉलो करते हैं ना, आई थिंक से कि हम जो बैठे और मैं इंक्लूडेड, अगर चार गुना अगर डबल कर रहे हो उससे ज्यादा, राइट, एक बार भी आलिया भट्ट ने बोला नहीं है, पता है मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, अपने आप को नॉर्मल सब समझती है, दैट वाज शी आलिया भट्ट। गलती इंसान से ही होती है, और किसी को ऐसे बोलना कि छोटे लोग, सबको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम सारे छोटे लोग और छोटी सोच, आपने बोले छोटे लोग और छोटी हरकत है, तो दैट इज अनफेयर, आई डोंट टेक दैट, नो। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने पूरा वीडियो देख लिया, उसमें रहा एक और बात, छोटे लोग छोटी सोच, ऐसा कैसे बोल सकते है यार, किसी के बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकते, किसका कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, हम लोगों की वजह से ना, हम लोग जो यूट्यूब कम्युनिटी की वजह से ना, आप लोग का चैनल बहुत आगे बढ़ा है, न तो जैसे पुनीत सुपरस्टार मतलब पुनीत लॉर्ड जो निकला था, उसके वजह से जो तुम्हारा टीआरपी घटा था ना, मैं खुद बोलता हूँ मैं नहीं देख रहा था, जब से एल्विस आया और अभिषेक है तो ही मैं देखता हूँ ना, तो मैं बिग बॉस देखने का कोई बनता ही नहीं है, उसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि जो जीते, किसी में कुछ ऐसा गुण लगता ही नहीं है मुझे, जो अभिषेक भाई ने कहा था कि मेरे ला मतलब आसिम रियाज ऐसा ये सब थे तो बहुत अच्छा, आसिम बोल रहा हूँ, आसिम रियाज प्लस सिद्धार्थ ये सब थे तो बहुत अच्छा था, मैं मानता हूँ वो सही बोला, और उसमें कोई गलत भी नहीं है भाई, वो अपने आप को मानता है ना कि मैं इन लोग से ऊँचा हूँ, तो ऊँचा सोच रखने वाला उसका मतलब ये नहीं होता कि गलत हो, हाँ कुछ अच्छे लोगों के साथ में, जैसे कि हम लोग बड़े मतलब कि हमारा घर पे बताया जाता है कि अच्छे लोगों के साथ में उठना उठना करो तो अच्छा होगा, तो ऐसे ही वो भी सोचा होगा यार कि ये लोग के साथ में खेलता तो और क्या मज़ा आता, हाँ ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट रहते, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट रहते तो और मज़ा आता, लेकिन ये लोग तो कोई नहीं है, ये लोग मतलब ना चढ़ाने में एकदम आगे है, मैं जैसे कि वो क्या ना अविनाश
जैसे कि एल्विस ने उसको बोल दिया था लड़की के ऊपर बोला तो वो तो गलत ही था, लेकिन तो भी वो इतना गलत नहीं था जितना उसको झाड़ा गया था। बेचारा का आँख से आंसू गिर गया था, वो उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन इस बार वो थोड़ा सा अभी से एक भाई ने अपना मम्मी से बात कर लिया, वो भी गलत है लेकिन ठीक है ना भाई, वो डिजर्व करता है जितना, क्योंकि पहले दिन से वो और एलिस भाई अभी एक महीना बाद ऐसा थोड़ा सा वाइल्ड कार्ड एंट्री किए तो उनका नहीं है, तो उसमें भी ना इन लोग से नहीं रहा गया क्योंकि मालूम है दो दिन मिलकर पूरा अपना बिग बॉस को हिला कर रखा हुआ है अभी से एक एलिस भाई। हाँ तो इनसे नहीं हुआ है तो ये शायद से सलमान खान सर बोले होंगे या तो उनको बुलवाया गया होगा, स्क्रिप्ट दिया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है स्क्रिप्ट दिया होगा, तो सलमान सर ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है कि पहले तो बोले थे 500 रुपये वाला बात हम लोग दे देंगे, यार दे देंगे सलमान सर, आपका पिक्चर 250 रुपये में जाके देख सकते हो तो एलिस भाई का क्यों नहीं देखेंगे सही बात बोला ना मैंने। और रहा बात इसका फॉलोवर्स का, इसमें आपने क्या बोलते हैं एक छोटा फॉलोवर्स को एकदम नीचे गिरा दिया, मतलब कि एक तो पूजा भट्ट बोल रही है कि मेरी बहन के फॉलोवर्स इतने नेपोटिज्म से है भाई, उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, मैं मुंह पे बोल दूँ, मैं इतना खास नहीं है, मैं तो आलिया भट्ट का पिक्चर दिखता ही नहीं हूँ जो भी है ना मेरे को तो सबसे अच्छा है अपना यूट्यूब का अपना कंटेंट अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया लगता है भाई, मैं तो मुँह पे बोलता हूँ, आधा बात रख के फिर बोलना वो मेरे से नहीं होता। तो पूजा भट्ट ने बोला तुम्हारा इतना फॉलोअर्स लगाएंगे, तुम्हारा सबको इतना लगाएंगे, तो तुम्हारा इतना फॉलोअर्स होगा मेरी बहन के बराबर भी नहीं होगा, उसमें से कितने फेक है वो मालूम पड़ जाएगा क्योंकि आप लोग देख सकते हो अपना थोड़े दिन पहले अपना इवेंट हुआ था, मतलब मीटअप हुआ था मीटअप, उसमें कितने लोग आए थे अपने अभिषेक केस में, जो कि अभिषेक भाई उसमें थे भी नहीं, वो ट्रिगर इंसान ने उसको क्या पूरा मैनेज किया था, तो इतने लोग आए थे अभिषेक आया था तो कितना फॉलोअर्स है, उसको फेक नहीं है भाई, हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि आप लोग देख लो वीडियो में ही मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग पूरा फॉलो करते हैं भाई। और सलमान सर जो बोला ना वो तो मुझे लगा कि गलत है, लेकिन तो भी वीडियो देखो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या सलमान सर ने बोला, फिर मैं बताता हूँ। पूछना चाहेंगे सलमान बताइए कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? चलिए बिग बॉस ही बता देते हैं, आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के मिलाकर 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं बस, और फैन पेजेस तो हम काउंट भी नहीं कर रहे। अच्छा सलमान जी, आप जब एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं जी, तो कुछ ही घंटे में आपकी उस पोस्ट को कितने लाइक्स मिल जाते हैं? बताएं सर, जितने लाइक करें फैंस उतने मिल ही जाते होंगे। आपने शायद देखा भी नहीं होगा। नहीं सर, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ सर। चलिए बिग बॉस ही बता देते हैं, पोस्ट करके भूल जाता हूँ मैं। आपकी आखिरी पोस्ट को कुछ ही घंटों में 19 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। ये अच्छी बात है बुरी बात है? बिग बॉस का ये शो भी पिछले 16 सालों से चल रहा है, देश भर की ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है, तो फैंस के प्यार की कमाई तो हमारी भी कुछ जरूर होगी। जियो सिनेमा पर लगभग 100 मिलियन लोग ये शो देख रहे हैं, यानी कि आप और बिग बॉस जी अंदाजन कम से कम 200 मिलियन लोगों से इस कदर जुड़े हैं कि हर साल उनकी एंटरटेनमेंट का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर उसे बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। देश की पॉपुलेशन 120-130 करोड़ कितनी हो गई अभी? 140। बाप रे बाप, तेजी से बढ़ी जा रही है। और अभी जो नंबर्स बताए जी, उसमें जियो सिनेमा, कलर्स, एंडेमॉल जी, इनके इंडिविजुअल अलग अलग फॉलोअर्स और नंबर्स की तो हम यहाँ बात भी नहीं कर रहे। जी जी करेक्ट। हाँ लेकिन हम ये भी बखूबी जानते हैं कि ये नंबर भले ही जितना भी बड़ा नजर आ रहा हो और सुनाई दे रहा हो, अगर हम पूरे देश की आबादी और जनता के बारे में सोचते हैं करेक्ट, तो हमें साफ साफ ये भी नजर और समझ आता है कि हमारे पास अचीव करने को कितना कुछ अभी भी बाकी है। करेक्ट बॉस, करेक्ट बॉस। और इसीलिए शायद पिछले 16 सालों से हम और पिछले 30 सालों से ऐसा बखूबी करते आ रहे सलमान खान जैसे सुपरस्टार अभी भी हर रोज सुबह उठकर दर्शकों को एंटरटेन करने की इस जिम्मेदारी को और भी ज्यादा कोशिश कर और बेहतरी से निभाने में जुट जाते हैं जी। इन सारी बातों को आज कहने का मतलब यह है कि सिर्फ लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स
ब्लू टेक रेड टेक की अनरियल वर्चुअल दुनिया में अटके इस घर के कुछ डिल्यूशनल घरवालों को सच्चाई और रियलिटी का एक आईना दिखाने की सख्त जरूरत है। जी बिग बॉस, और आपसे बेहतर ऐसा भला और कौन कर सकता है। तो अब घर और घर वाले आपके हवाले सलमान। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। ऐसा क्या हो गया भाई घर के अंदर? घर में ऐसा क्या हुआ कि ये बिग बॉस को मुझसे ये बातें करनी पड़ी? मतलब अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे 150 मिलियन है और देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो ओनली व्हाट 3-5% ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग मी आल्सो। तो सुनाया दिया है, सुनाया क्या, देखा भी है अभिषेक के बिग बॉस को लेकर आपके कुछ तुच्छ नहीं उच्च विचार हैं। चलो आप सब आप ही बता दो यार क्या विचार हैं आपके, क्योंकि आपके विचार आपसे बेहतर कोई जानता नहीं और बोल भी नहीं पाएगा। कुछ फॉलोइंग हम भी लेके आए हैं जो हमारे को एक्चुअली प्लस, मैंने उसको वो बोला कि हमारा प्लस पॉइंट है कि एटलीस्ट देयर आर सम पीपल आउट देयर जो एक्चुअली हमें प्यार करते हैं। अभिषेक, अभिषेक, हाँ जी सर, आप बड़े सेंसिबल हो या नहीं हो? सर कभी कभी लगता है, देखो कभी बात देखो 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 जो आपने कहा है, हाँ जी मैं आपको एक और मौका देता हूँ। हाँ, ये जो कहा है, हाँ जी, एक विजुअल भी है, एक और ऑडियो भी है, हाँ जी, और ये सब रिकॉर्ड हुआ है, हाँ जी। तो किसके पास ये फॉलोअर्स हैं, लीडर कौन है? हमेशा ना एक आदमी जो आपने आपके माँ को बोला है, आप ही बता दो ताकि फिर ये हो जाए कि आपने एल्विश को उसके मुंह पे बोला है जो कि आपने अपनी माता से कहा है, बोलो, ताकि ये प्रूव हो जाता है कि आपने, चलो मेरे सामने ही, चलो उस वक्त बोल दिया, माँ को बोला, ओके, उसके बाद आपने ये उसे कहा कि मैंने अपनी माता को ये बोला है भाई, हाँ नहीं बोला ना? कौन सी सिचुएशन भाई? हाँ कौन सी बात सर? जो आपने अपनी माता से बातें कही, हाँ एल्विश के बारे में या किसी और के बारे में इस घर में, रिपीट कर दें आप एल्विश से, और अगर ये बात आप भूल गए हो या नहीं बोलते तो मैं बोल देता हूँ और फिर आपको तुरंत याद आ जाएगी वो बात। फिर आप एक बार कॉन्टेक्स्ट दे, मैं तो याद आ जाएगा, उस हिसाब से बता दूँ एक्चुअली याद दी। अरे यार हर चीज याद होती है तुमको, थोड़ा सा एक गौर डालो दिमाग पर, एक सोचो, थोड़ा सा टाइम ले लो, मैं इधर ही खा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा भाई। तो मैं ये समझता हूं कि मैं वाइल्ड कार्ड को कभी विनर नहीं मान सकता। ये तो सर मैंने उसको भी बोल रखा है। एल्विश बोला है? नहीं भाई। हाँ नहीं बोला है? नहीं बोला है। तो थी हमारी बात, मतलब इस विषय में नहीं हुई कि इस बात में बात नहीं हुई थी कि हाँ तो ये वाइल्ड कार्ड आया है, और जो वाइल्ड कार्ड अगर फर्स्ट डे से आता है तो वो सिचुएशन ऑब्वियसली जो हमने फेस करी है तो इसने फेस नहीं करी, ये बात मेरी इससे हुई थी। विनर वाली बात नहीं हुई, वैसे मैंने बोला था कि तुम्हारा ज्यादा सफर रहा इसमें, तो मैं नहीं मानता। सब बैकअप हो जाता यार अभिषेक, जो इंडमॉल चला रहा है, हम सबकी जिंदगियां चला रहा है, ये OTT जियो चला रहा है, ये सीजन चला रहा है, ये जो अब आए हो आप इस घर के अंदर तो ये सबकी नौकरियां बच गई हैं, मैं तो सबके सब बर्बाद हो जाते हैं यार, सीरियसली बोल रहा तुमको यार मैं। मेरे इंटेंशन सच में वो नहीं थे, वो एक कॉन्वर्सेशन की जो लाइन है जाट की वो पकड़ गया। I'm so sorry to say this, मैंने 4 या 5 बार ये बात मेरी मनीषा और अलविश से हो रखी है, और मैंने हमेशा उनको यही बात बोली है कि बिग बॉस की ऑडियंस को हमें बिग बॉस, जैसे कि आप लोग ने वीडियो देख लिया हो, सलमान सर ने उसमें क्या बोला क्या नहीं बोला, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था ये सब चीज, सिर्फ टारगेट अभिषेक को, अभिषेक भाई को नहीं करना चाहिए था, अगली बार किया था एल्विश को, इस बार किया अभिषेक को।
अपना दीपी क्या नाम है, दीपी का क्या तो क्या नाम है यार, पूजा भट्ट को एकदम ही छोड़े था, उसको बोलने से फायदा नहीं, बोलो तो सही, बोलने का फायदा रहेगा भाई, कोई हेट नहीं है ना सलमान सर से हेट है ना किसी से हेट है, बस ये है कि YouTube कम्युनिटी है तो हम लोग अपने अभिषेक को और एलिस को सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा सपोर्ट मैं इसलिए अभिषेक को कर रहा हूँ क्योंकि वो फर्स्ट डे से है, बहुत सारा टास्क उसने किया है, तो मैं चाहता हूँ कि अभिषेक जीते, मैं तो ये चाहूँगा अभिषेक जीते, लेकिन साथ में दोनों प्रॉब्लम है यार, और हमारे कम्युनिटी में आए, यूट्यूब में आए, हम लोग को प्राउड फील होगी, हम लोग भी जाए बिग बॉस में, लेकिन अगर आप लोग ऐसा करोगे तो कोई नहीं जाना चाहेगा बिग बॉस में यार, यूट्यूब की वजह से आप लोग का टीआरपी बहुत ज्यादा हाई हुआ है, तो माँ तुम किसको सपोर्ट करता है? एल्विस मम्मी को, एल्विस को और नहीं आता एल्विस और अभिषेक को, क्या अभिषेक, अभिषेक को हाँ सपोर्ट करते हैं, हम रोज वीडियो देखते हैं अभिषेक की वजह से, एल्विस की वजह से ना, तो मैं यूट्यूब के अलावा किसी चीज में नहीं होना, इंस्टा पे अगर आप इंस्टा का फॉलोअर्स की बात करोगे मेरे इतने हैं ना उतने हैं, आलिया भट्ट के इतने उतने हैं, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यूट्यूब में बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत अच्छा चल जा रहा है, घर दाल रोटी चल जा रहा है, हमें ज्यादा बड़ा सपना देखने का भी जरूरत नहीं है, अगर आप बोलोगे इंस्टा का क्या एक जगह फटाक से कर लेंगे, जो यूट्यूब में सब्सक्राइबर होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे यही बताना था और कोई हेट नहीं था, हाँ तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मैं चलता हूँ व्लॉग बनाने के लिए, मुझे क्योंकि व्लॉग भी बनाना रहता है, तो मैं एक यहाँ तक यहीं पे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय टेक केयर, ध्यान रखो, नेक्स्ट व्लॉग नहीं नेक्स्ट रोस्ट में, और उसके बाद में व्लॉग में ही मिलना है, तो कोई नफरत नहीं है भाई, ये वीडियो आपको आज देखने मिल जाएगा, चलो चलते देखेंगे, अगर ये रोस्ट आपको अच्छा लगा या कमेंट में आप कुछ बताना चाहोगे क्या मैं गलत हूँ या जो बिग बॉस के जो अंदर के कंटेस्टेंट है वो गलत है, मुझे तो नहीं लगता है कि अभिषेक और एल्विस गलत है यार, तुम बताना कमेंट में, चलो